अगर आप इंप्लॉई हैं एक कंपनी के अंदर, तो आपका बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, और ये लीगल रिक्वायरमेंट्स आपके एम्प्लॉयर बियर करता है। मेक श्योर करें, जो ये मैं तीन चार चीजें आपको बताने वाला हूं ना इस वीडियो के अंदर, आपको पता तो होंगी, लेकिन हो रहा क्या है, एम्प्लॉयर इस चीज का फायदा उठा रहा है, और एम्प्लॉयर ये समझता है कि ये सारी चीजें इंप्लॉई पे करेगा, और बहुत सी कंपनियां जो हैं वो ऑलरेडी इंप्लॉई से इसका पैसा ले रही हैं, और बहुत सी कंपनीज सैलरी में से उनका पैसा काट रही हैं। क्या चीज है, सबसे पहले एम्प्लॉयर जो आपका अरबाब है, जो कंपनी है, उसकी बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट आपको रखना है, और उसके साथ आपको क्या क्या फ्री में देना है, जरा मेरी बात और सुनिएगा, फ्री में देना है। सबसे पहली बात, आपको फ्री में रेजिडेंसी वीजा देना है, इसका आपने एक रुपया भी पे नहीं करना, ये आपका एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड यू अ रेजिडेंस वीजा इन यूएई। बात क्लियर, रेजिडेंस वीजा आपको एम्प्लॉयर देगा। सेकेंड, आपका लेबर कार्ड, जो फिजिकल कार्ड तो नहीं बट इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है, वो बनाना भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। नंबर थ्री, और ये थ्री थिंग, ये तीसरी जो बात है ना चौथी से पहले, इसमें क्या हो रहा है, ज्यादातर मैं देख रहा हूं कंपनियां लोगों से पैसा ले रही हैं, लोगों मींस एम्प्लॉय से पैसा ले रही हैं कि भाई आप पैसा दें, आपका एमरेस आईडी बनाना है। एमरेस आईडी बनाना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, एमरेस आईडी बनाना जो आपको रख रहा है उसकी जिम्मेदारी है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड यू द एमरेस आईडी, रेजिडेंस वीजा एंड अ लेबर कार्ड। और चौथी थिंग, चौथी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एम्प्लॉय से भी लिया जा रहा होता है, और कंपनियां जो बड़ी होती हैं, अच्छी होती हैं, वो खुद भी दे रही होती हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझनी पड़ेगी। जो आपको इंश्योरेंस दी जाती है ना, कुछ तो कहते हैं ना कि इंश्योरेंस क्लेम इजीली हो जाती है, और कुछ होती है जंतर मंतर किस्म की इंश्योरेंस होती है, वो मेरे जो बनाते हैं ना जंतर मंतर एडिटिंग करके, वो जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। तो इंश्योरेंस प्रोवाइड करना भी आपके एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, ये बात आप अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि इनमें किसी भी चीज के अंदर जब आपकी सैलरी से कटिंग होगी ना, तो आप लीगल एक्शन थ्रू मोहरे एप्लीकेशन कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। अब यहां पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर ये सारी चीजें हैं, देखिए इलीगल हैं, अगर एम्प्लॉय से क्लेम की जाए तो फिर क्यों एम्प्लॉय ऐसा कर रहे हैं और क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता, मैं आपको इस बात का भी जवाब इसी वीडियो में दे देता हूं। सबसे पहले आपसे ये चीज क्लेम करना कि भाई इसका पैसा दो, इसका पैसा दो, इसका पैसा दो, इलीगल है। लेकिन होता क्या है, हम मजबूर मजदूर लोग जब अपने घरों से आ जाते हैं ना, और जब हमें कहा जाता है भाई जॉब करनी है, तो भाई चुप करके काम करना है। अब चुप करके अपनी सैलरी भी कटवाते हैं, चुप करके अपनी मरवाते भी हैं, चुप करके सारा काम करते हैं। और मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, जो बंदा, जो कंपनी अगर ये काट रही है शुरू से ही, तो समझ लें उस कंपनी ने लॉन्ग रन में आपके साथ अच्छी तरह नहीं चलना, क्योंकि वो सिर्फ अपने फायदे को ज्यादा देख रही है, आपका कुछ भी नहीं देख रही, और उनके ऊपर लीगल एक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि आप लोग नहीं खड़े हो सकते, आप मजदूर और मजबूर इतने मारे हुए होते हैं कि आप लोग उसके ऊपर कंप्लेंट नहीं करते, कंप्लेंट नहीं करते तो वो कहते हैं ना अंडर द टेबल हिडन वर्क, तो फिर कुछ भी चलेगा ना। तो यार ये बातें हैं, अगेन रिपीट कर दूं, चार चीजें, रेजिडेंस वीजा आपको फ्री में मिलेगा, लेबर कार्ड फ्री में मिलेगा, एमरेस आईडी फ्री में मिलेगा, और इंश्योरेंस फ्री में मिलेगी। चार चीजों के अगर आपने पैसे दिए तो फिर मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा, और अगर पैसा किसी ने डिमांड किया उसका नाम पता इधर ला के इधर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फिर हम बजेंगे और जाके मोरे में उसकी एप्लीकेशन डालेंगे और कंप्लेंट डालेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, चार चीजें। बाय बाय।